सो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जापनीज एनिमेशन और मूवीज के दुनिया में एक सोचने पर मजबूर करने वाले सफर में शिनचैन के इस खोए गए एपिसोड में हम एक रोचक अगर स्थिति को जानने के लिए जा रहे हैं। जब जापनीज एनिमेशन और सिनेमा नहीं होते तो दुनिया कैसी होती। देन लेट्स स्टार्ट योर टुडेज वीडियो टाइटल। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां शिनचैन, डोरेमोन या सेलर मून जैसे आइकनिक किरदार नहीं होते, कोई स्टूडियो घिबली की शानदार चमत्कारी फिल्में नहीं और ना ही पोकेमोन। स्क्रीन खाली होती, जापनीज एनिमेशन की क्रिएटिविटी और इनोवेशन की कमी महसूस होती। जापनीज एनिमेशन और फिल्मों का प्रभाव अनमोल है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को छू चुका है, खुशी और मनोरंजन लाया है और गहरी जीवन के सबक सिखाए हैं। लेकिन यदि यह सब नहीं होता तो जापनीज एनिमेशन ने गहरा कल्चरल इम्पैक्ट डाला है। यह हमें जापानी परंपराओं की सुंदरता, कहानी सुनाने की कला और दोस्ती, साहस और अंधरूनता के महत्व को सिखाया है। जापनीज एनिमेशन ने टेक्नोलॉजी की सीमाएं बढ़ाई है, जो दुनिया भर के कई कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया है। इसके बिना दुनिया को बेहतरीन तकनीकी इनोवेशन की कमी होती। जापनीज एनिमे और मूवीज हर उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन और भागदौड़ का स्रोत है। यह मजबूत व्रतों में आराम, दुखी समय में हंसी और निराशा में आशा देता है। जापनीज एनिमेशन के बिना क्रिएटिविटी दबी होती और अनगिनत कल्पनाएं अधूरी रह जाती। यह कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो एक कलरफुल और एक्सप्रेसिव दुनिया की कमी होती। इस खो गए एपिसोड के अंत तक पहुंचते हैं, जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि जापनीज एनिमे और मूवीज के बिना दुनिया एक बहुत अलग स्थान होती। इसलिए आइए हम उन विशेष कला को मूल्यांकन करें जिन्होंने हमारी जिंदगी को समृद्ध किया है और आगे भी करेंगे। जापनीज एनिमे और मूवीज के बिना दुनिया की एकांत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल वर्जन को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।